हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सरना ब्रदर्स। हेलो सो गाइस, आज दशहरे का त्योहार है, आज विजयदशमी, जो कि पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। आज जो बुराई पर जो अच्छाई की जीत है, पूरे जगह जगह पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले फूके जाते हैं। तो गाइस, हम भी सारे रेडी हैं और जाने के लिए। अभी हमें पता नहीं है कहाँ पर दशहरा मना रहे हैं, जाके अभी देखते हैं। भोगल, लाजपत नगर, जिस जगह पर भी होगा उधर जाते हैं, फिर आपको उधर दिखाते हैं। थैंक यू। चलो निकलो। हम जा रहे हैं, स्कूटर पे जा रहे हैं क्योंकि जाम भी बहुत ज्यादा होता है और ठंडी ठंडी हवा खा के बहुत मजा आएगा जाने में। चाचू भी स्कूटर पर आ रहे हैं, हम सारे स्कूटी पे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मजा आएगा हमारे को। और चाचू, ये रे गाइस, चाचू गुरवीर, जल्दी चलो गाइस, बहुत एक्साइटेड है। गाइस ये भी स्कूटी पे, हम भी स्कूटी पे, चल जस्ट चल। गाइस लाजपत नगर हम पहुंच गए हैं, लाजपत नगर और अच्छा माहौल है यहाँ पर, अभी आपको दिखाते हैं। तो यार आते ही प्रवलीन तो गोलगप्पे पर लग गया है। ओ प्रवलीन, आते ही गोलगप्पे पर लग गया, चल खिला यार भैया। गोलगप्पे खाए और गगन, तूने क्या बनवाया, कुछ स्पेशल बनवाया क्या? पापड़ी चाट या पापड़ी, सही है। चलो आ जाओ, एक मिनट मैं साथ कर देता हूं। तो गाइस लाजपत नगर हम पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में ये जो आप पुतले देख रहे हैं, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, इनको आग लगाई जाएगी। बहुत जबरदस्त क्राउड है यहाँ पर। ये जो पुतला आप देख रहे हैं, रावण का, मेघनाथ, और ये जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर में, ये है कुंभकर्ण। और मेरे लिए भी ले लो भाई एक मैंगो। गुरी अर्जुन ले ली आपने? ले ली पपी का? पपी कौन सी थी? ले लो आपने, ले ली। चलो ठीक है, और किसी ने लेनी है? मैं लूंगा ना यार, भाई मार्को को दिला दो। आपने लो जी, कोई भैया को खाली मत छोड़ना किसी रेडी को। पूरी तूने के लिए? अच्छा चलो फिर, चलो चलो आ जाओ। तो गाइस मेरे से कोई कुछ पूछता ही नहीं है, ये सारे बलून बलून ले रहे हैं, मेरे से कोई पूछो तो सही, पूछो पूछो। हमारा प्रॉब्लम समझदार हो, बड़ा बच्चा हो गया। अच्छा मैं बड़ा बच्चा हो गया? तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। गाइस मेरा माल आ गया, माल खाने के लिए माल। गाइस राम से कही थी, अबे गाइस लड़ाई हो रही है।
हाँ जी बना दियो यार मेरा चार बना दे, बढ़िया से बनाइयो मसाला वसाला। स्वीट कौन है ना, स्वीट पूरा स्वीट ही लेना ना। प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या लिया अब तो कोई चीज छोड़ भी दे। चलो वेरी गुड। सो गाइस लाजपत नगर रावण दशहरा मेला देखने आए थे, वहां पर राशि भी मिल गया हमें और बासी भी आई है। लाजपत नगर अब आए हैं रावण देखने, वहाँ बासी रॉली दोनों मिल गया, तो अब इनके साथ ही मिलकर एंजॉय करेंगे। और राशि ठीक है सर। तो गाइस सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस का फुल अरेंजमेंट किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। रॉली आ यार लगता है से भागना पड़ेगा। ये मेघनाथ के पुतले में आग लग चुकी है, मेघनाथ के पुतले में आग लग चुकी है, आप देख सकते हैं। लेकिन बम की कोई आवाज नहीं आई है। तो गाइस अभी पता लगा कि पटाखे बैन थे, तो विदाउट पटाखों का जो रावण, अभी आपने रावण भी मेघनाथ का पुतला भी जलते देखा है आपने। गाइस ये मेघनाथ के बाद कुंभकर्ण के पुतले को भी आग लगा दी गई है, और ये ज्यादा कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से विदाउट आतिशबाजी के जो आप देख रहे हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत। प्रवलीन ठीक है, गुरी गाइस फाइनली ये रावण के पुतले में भी आग लगा दी गई है। हाँ प्रवलीन चलो हो गया। जय श्री राम। बहुत ज्यादा मजा आया। पुतला दहन हो गया, दशहरे का त्योहार बड़े अच्छे तरीके से मनाया गया। आप थोड़ा देखते हैं अपना जो भी खाने पीने का प्रोग्राम, डिनर बासी भी आए हैं ना, रॉली बासी और रॉली भी आए हैं, उनके साथ हम डिनर करने चलेंगे कहीं ना कहीं। चलो देखते हैं। गाइस क्राउड बहुत जबरदस्त है। गगन चलो 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 सब चलते रहो। गुरवीर और अर्जुन हो गया काम, चलिए आओ। क्या आया आपको? अच्छा जी। गाइस रिलैक्स रेस्टोरेंट लाजपत नगर में है। बिल्कुल अंदर फुल है, वेटिंग में है। गाइस वेटिंग में अंदर बिल्कुल हाउसफुल है रिलैक्स रेस्टोरेंट में, तो अंदर लिखवा कर आ गए। जैसे नंबर आता खाली होता था मैं चलो हो जाएंगे सारे एडजस्ट। तो मासी ठीक बैठे हो? फ्राइड बटर चिकन लबाबदार रोटी सबको मजा आ रहा है। मैंने भी ले लिया अपनी थाली। गाइस
डिनर भी हो गया, दशहरा बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया, पूरा इंजॉय करा। और सबसे बड़ी बात ये है कि मासी भी मिल गए, रॉली भी मिल गया और डिनर करके भी रिलैक्स से बाहर आया। सामने ही आप देख सकते हैं कांगड़ा स्वीट्स है, जलेबियाँ चलेंगी, ये सामने कांगड़ा स्वीट्स है। वैसे हम डिनर के चक्कर में लेट हो गए हैं, कढ़ाइयाँ कुड़ियाँ सब संभल गई हैं। और दशहरे में कहते हैं कि जलेबी जलूबी खाना बहुत शुभ माना जाता है, जलेबी के बहुत स्टॉल था, दुकान के बाद जलेबी लगी, अपने जलेबी खा के आज बहुत अच्छा लगा। जैसे देखा हमने कि जैसे रावण का जो हश्र हुआ है, हमें भी अपने आज व्यवहार ऐसे रखना चाहिए, हमेशा बुराई के आगे अच्छाई की हमेशा जीत जीत होती आई और आगे भी जीत होती चलेगी। तो गाइस इस स्वीट के साथ मीठी जलेबी के साथ व्लॉग को मुझे भी एंड करते हैं। तो गाइस हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हमारे सरना ब्रदर्स के चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय।